नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2019 के सबसे आखिरी माह, कहने का मतलब दिसंबर माह के शुभ मुहूर्त के बारे में। दिसंबर माह में ऐसी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, ऐसे कौन कौन से शुभ दिन हैं जब कोई शुभ कार्य, जब कोई मांगलिक कार्य, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जब संपन्न किया जाए तो बड़ी शुभता के साथ, बड़ी सफलता के साथ वो कार्य संपन्न हो सके। इसी के साथ साथ इस वीडियो में आपको पुष्य नक्षत्र की तारीख भी बताऊंगा, सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीख भी बताऊंगा, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। शुभ मुहूर्त का ये वीडियो आपको हर माह के आखिरी सप्ताह में या फिर 15 तारीख के बाद मिल जाया करता है, तो यदि आप शुभ मुहूर्त हर माह के जानना चाहते हैं तो इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ समय समय पर ज्योतिषीय घटनाएं, जैसे किसी ग्रह का वक्री होना, मार्गी होना, राशि परिवर्तन करना, या फिर राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या फिर मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल भी जानना चाहते हैं तो भी इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। दिसंबर 2019 में विवाह के लिए कौन सी शुभ तारीख है, तो तारीख 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, ये जो तारीखें हैं ये तारीख विवाह के लिए, शादी के लिए अत्यंत शुभ तारीखें मानी गई है, अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। विवाह के बाद यदि आप मकान का उद्घाटन करना चाहते हैं, गृह आरंभ करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, मकान को लेकर के, घर को लेकर के यदि आप कोई भी काम लिया है, या भूमि को लेकर के यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही शुभ तारीख यहाँ पर बनती हुई नजर आती है और वह है तारीख 6, 7, 11, 12। कहने का मतलब जो विवाह के लिए मैंने तारीखें बताई थी सेम वही तारीखें गृह प्रवेश, गृह आरंभ, भूमि पूजन, भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड जो भी कार्य, रिनोवेशन वगैरह करवाने के लिए भी अत्यंत शुभ तारीख मानी जा रही है दिसंबर 2019 में। इसके बाद में यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यदि आप मकान, यदि आप, आपका ऑलरेडी व्यापार है उसे आप एक्सपांड करना चाहते हैं, यदि आप व्यापार का जो जैसे शॉप है उसका उद्घाटन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो तारीख है वह है तारीख 21, तारीख 27 और तारीख 25। कहने का मतलब 21 दिसंबर, 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, ये जो तारीख है ये व्यापार को शुरू करने की, या ऑलरेडी व्यापार करते हैं तो उसको एक्सपांड करने की, या व्यापार के लिए कोई शॉप है, कोई चार दीवारी आपको उठाना है तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ तारीख है। फिर से दोहरा दूं, 21 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख। इसके बाद में यदि हम चले सर्वार्थ सिद्धि योग पर, सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है पहले तो ये समझा देता हूँ, अपने हर शुभ मुहूर्त के वीडियो में आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ। सर्वार्थ सिद्धि योग नाम से स्पष्ट है सारे कार्यों का सिद्ध हो जाना। कहने का मतलब ऐसा कि यदि आप कोई भी छोटे मोटे कार्य करना चाहते हो जो कि जीवन में बार बार किए जा सकते हैं लेकिन फिर भी आपको शुभ मुहूर्त देख करके ही वो कार्य करने हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जाना चाहिए। जैसे जैसे कि व्हीकल खरीदना, सोना खरीदना, या फिर कोई कोई महत्वपूर्ण चीज़ जैसे एसी खरीदना, या फिर अपना गीजर वगैरह, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जो जीवन में बार बार खरीदी जा सकती हैं वो काम आप जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में शुभ मुहूर्त देख करके खरीद सकते हैं, या वो काम कर भी सकते हैं। कहीं जाना हो, कहीं यात्रा शुरू करना हो तो काम किया भी जा सकता है। वो है 1 तारीख 1 दिसंबर, 2 तारीख 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर और 29th ऑफ दिसंबर। तो ये जो तारीखें हैं ये सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें हैं। और फाइनली यदि हम बात करें पुष्य नक्षत्र की, देखिए पुष्य नक्षत्र को लेकर के कई लोगों में, इवन जनसमूह में बड़ा क्रेज देखने को मिलता है। जी हाँ, क्रेज शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, लिटरली क्रेज देखने को मिलता है। पुष्य नक्षत्र के समय जो है वो सोना खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। उसी के साथ साथ वाहन खरीदारी भी इस समय की जाती है, कई लोग बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं। तो पुष्य नक्षत्र जो है वो निसंदेह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नक्षत्र होता है और इसके लिए 15 तारीख 15th ऑफ दिसंबर जो है पुष्य नक्षत्र का दिन, पूरा दिन पुष्य नक्षत्र के लिए ये रहने वाला है। हालांकि हो सके तो 15 दिसंबर की लेट जो
शाम है, लेट शाम में पुष्य नक्षत्र को ना माने, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर के आप जो है शाम में 6 बजे तक जो है पुष्य नक्षत्र को 15 तारीख में मान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा की है शुभ मुहूर्त के बारे में और अलग अलग शुभ मुहूर्त के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की, साथ ही साथ मैंने आपको सर्वार्थ सिद्धि योग पुष्य नक्षत्र के बारे में बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को सुविधा चाहूँगा। नमस्कार।